व्हाट्स अप गाइस, आज हम देखने वाले हैं इंडिया के प्रोडक्ट्स जो दूसरे देशों में बिल्कुल ही अलग लगते हैं। तो भैया ऐसे कौन से चीज़ें जो इंडिया में हम देखते हैं और वो दूसरे देश में अगर वो देखे तो हम बोले भाई ये ऐसी दिखती है, यहाँ पर कितना चेंज है। वीडियो देखेंगे, इंटरेस्टिंग रहेगी वीडियो। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, फैक्ट भाई की वीडियो है, उसी वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, और कहां से देख रहे हो वीडियो जरूर कमेंट करके बताना। 1 2 3 गो। हेलो भाई लोग, मैं हूं फैक्ट भाई, और नया कुरकुरे तूफानी मसाला, मसाला तेज ना ना, ये कोई कुरकुरे का सस्ता कॉपी नहीं, बल्कि ये पाकिस्तानी टेढ़ा मेढ़ा कुरकुरे। वैसे ही अगर अपनी 10 वाली मैगी की बात करें तो भैया इसने तो दुबई जाकर अपने रंग और ढंग दोनों ही बदल दिए। और तो नूडल्स छोड़, मैगी के नाम पर वहाँ कुछ और ही बिकता है। पर अब वो क्या है, उससे पहले आज ये भी जानते हैं कि आखिर अमूल के एक पैकेट पर मेड इन चाइना क्यों लिखा गया। क्या सच में अमूल बटर चाइनीज ड्रैगन की देन है? आइए जानते हैं। नंबर 1, हवा हवाई। अगर बात की जाए वॉकर्स की, स्मिथ की, और वेस्ट वेलकम्स की, या फिर टापू चिप्स मतलब लेस की, तो ये दुनिया भर में और भी कई नामों से जाना जाता है। इतना ही नहीं, लेस के नाम के साथ साथ हुलिया भी हर जगह अलग नजर आता है। और हर जगह अलग नाम होने के बावजूद लेस ने हर देश में अपने फ्लेवर्स निकालने की कोशिश की है। जहाँ भाई लोग आपको लेस का मस्ताना मैंगो तो याद ही होगा, वही इजिप्ट में लेस ने रोस्ट चिकन का फ्लेवर बांट दिया था। लेकिन दुनिया भर में नाम कमाने वाली लेस ने इंडिया में अपना नाम खराब कर दिया था। ये तब हुआ जब पेप्सिको ने गुजरात के कुछ फार्मर्स पर केस ठोक दिया था, वो भी ये कहकर कि वो ट्रेडमार्क वाले आलू नहीं उगा सकते। लेकिन अंत में फैसला गुजरात के फार्मर्स की ओर ही गया। फिर चाहे लेस दुनिया में कैसी भी दिखती और दिखती हो, इंडिया में पंगा नहीं सह जाएगा। नंबर 2, कुछ तीखा मीठा हो जाए। क्या कभी मीठा तीखा हो सकता है? या फिर अगर कोई आपके मीठे में कोई खट्टा मिला दे तो? अब जिस मुंह बिगाड़ देने वाले कॉम्बिनेशन को आप नकार दोगे, उसे ही जापान की जनता ने स्वीकार किया है। और जहां पूरी दुनिया में किटकैट कई फ्लेवर्स निकाल चुका है, वहीं जापान में उसके 300 तरह तरह के अतरंगी फ्लेवर्स सामने आते हैं। पर अलग दिखने वाली किटकैट की रेस में यूके भी पीछे नहीं है। यहाँ आपको नींबू और योगर्ट के मिश्रण वाली किटकैट भी मिल जाएगी। लेकिन शुरुआती दिनों में किटकैट के पास यूनिक के नाम पे सिर्फ एक ही फ्लेवर था, ऑरेंज। और तो और, इतना सब करने के बाद अब नेस्ले की किटकैट ने अपना नेटवर्थ $45 मिलियन से ज्यादा का कर लिया है। हालांकि इंडिया ने भी किटकैट का सेल्स बढ़ाने में अच्छा खासा साथ दिया है। यानी 1935 से शुरू हुई किटकैट की जर्नी अब रुकने से इनकार कर रही है। नंबर 3, 10 रुपयों वाली। जब इंडियन फूड ब्लॉगर्स से बच के हमारी मैगी विदेश पहुंची, तो तब भी उस पर अत्याचार खत्म नहीं हुए। इनफैक्ट चाइना के अंदर आपको मैगी की अतरंगी लेमन चिकन फ्लेवर का मजा लेना पड़ेगा। और अगर दुबई की बात करें तो यहाँ पे आपको नूडल्स के साथ साथ कई किस्म के मैगी के मसाले मिलेंगे, जिसे आप शारमा या अपने चिकन में डाल सकते हो। इसके साथ साथ दुबई के अंदर मैगी की बाकी कई वैरायटीज भी बिकती हैं। और दुबई वालों को मैगी से इतना प्यार है कि जब इंडिया में मैगी पर बैन लगा था, तब भी दुबई ने इसकी बिक्री जारी रखी थी। लेकिन भाई लोग, जब इसका स्टॉक इंडिया में नहीं था तो दुबई में माल गया कहाँ से? वेल, दुबई के रिटेलर्स का कहना ये था कि तब उन्होंने माल मलेशिया से इंपोर्ट किया, जहाँ उन्हें सेल करने से कोई मनाही नहीं की गई। तो यहाँ मैगी एक्सपायरी चेक करके ही खाना। नंबर 4, आपस की बात है। इस कुरकुरे के फ्लेवर को पहचाना, पहचानोगे भी कैसे? क्योंकि ये फ्लेवर इंडिया में कुरकुरे तूफानी मिर्च के नाम से लिखता है, और पाकिस्तान में तूफानी मसाला के नाम से। लेकिन जहाँ ये दोनों ही फ्लेवर एक जैसे हैं, वहीं पाकिस्तान के लिए कुरकुरे ने दही, पापड़ी, चाट और बारबेक्यू जैसे फ्लेवर्स भी निकाले हैं। और तो और, खास पाकिस्तान के लिए कुरकुरे ने निम्को नाम की नमकीन भी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, कुरकुरे पाकिस्तान का एक शो भी है, जिसमें उनके पसंदीदा कंटेंट क्रिएटर मोहम्मद साकिब हर दूसरे सेलिब्रिटी को कुरकुरे से भरी फेमस डिशेस खिलाते हैं। यानी पाकिस्तान ने तो कुरकुरे को टेढ़ा है पर मेरा है कह दिया है। पर इस चीज में बांग्लादेश भी कम नहीं है, क्योंकि कुरकुरे ने उनके लिए भी अलग से 4 फ्लेवर्स निकाले हुए हैं। इसीलिए कुरकुरे कहता है नंबर 5, अमूल किसका। सोशल मीडिया की दुनिया में जहां लोग अभी मार्केटिंग का अहम नहीं सीख पाए, वहीं बिना किसी चीज अमूल ने अपने दौर में सबका ध्यान अपनी तरफ कर लिया था। पर क्या वो अमूल सच में अपना है? क्योंकि अगर एक सोशल मीडिया यूजर की माने तो अमूल असल में चाइना की देन है, और इस न्यूज ने कईयों को हिला के रख दिया था। मगर अमूल ने इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी को झुटला कर ऐलान किया है कि अमूल 100% इंडियन प्रोडक्ट है। रिलीजन वाला कॉलम जो होता है, उसमें हम बोल्ड और कैपिटल में इंडियन। इनफैक्ट अमूल ने चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करने के लिए ड्रैगन से लड़ता हुआ एक कार्टून भी डाला था। मगर अमूल भी अपने आप को मल्टीनेशनल कंपनी में तब्दील कर चुका है, जहां आपको अमूल के कई सारे प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली भी मिल जाएंगे। हालांकि अब अमूल इससे भी बड़ी छलांग मारने की तैयारी कर रहा है। अमूल की तरफ से अगले 2-3 सालों में 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि उनके आने वाले दिनों में कई चीजें बनाने की मदद करेगा। नंबर 6,
असली सफेदी। क्या आपको पता है मिल्की बार एक चॉकलेट है ही नहीं, और ना सिर्फ ये, उसका नाम भी अलग है। अब ये फैक्ट भाई इसीलिए कह रहा है क्योंकि मिल्की बार में कोकोआ बटर नहीं होता। और अगर इसके नाम की बात करें तो भाई लोग, ये सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज के लिए है जहाँ इसे गलत बुलाया जाता है, और इसे आप ब्राजील के स्टोर्स में भी खरीद सकते हो। लेकिन चाहे नाम अलग है पर काम वही है, यानी सेम टेस्ट। और अगर आपको याद होगा तो कुछ समय पहले मिल्की बार के ऊपर कार्टून आते थे। इस कार्टून को लेकर मिल्की बार एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी जहाँ एक इंसान को चॉकलेट खाते वक्त उस पर अश्लील इमेज दिखाई दिया। हालांकि ये बस एक इत्तेफाक हो सकता है, मगर फिर भी नेस्ले ने अपनी सफाई में माफी मांगी और कहा कि वो बस एक घोड़े का सर था। नंबर 7, पुराना मॉन्क। गर्मी से लेकर सर्दी तक और ब्रेकअप से लेकर मेकअप तक सभी चीजों का ध्यान ओल्ड मॉन्क ने रखा है। और ना सिर्फ इंडिया पर ओल्ड मॉन्क ऐसा ही ध्यान फॉरेन की कंट्रीज में भी रख रहा है, जहां सबसे ज्यादा इंडिया से ओल्ड मॉन्क अपने घर ले जाने वाली कंट्री है कीनिया, जहां के लोग 750 ml की ओल्ड मॉन्क के लिए 1580 KES यानी 860 रुपए देते हैं। लेकिन ओल्ड मॉन्क की डिमांड USA में भी काफी पाई गई है, जहां ओल्ड मॉन्क की रम के साथ साथ बियर भी बेची जाती है। पर यहां पे आए पुराने मॉन्क जी की बात करें तो यहां 7 साल पुरानी OG रम के साथ ओल्ड मॉन्क की व्हाइट रम के भी दर्शन होते हैं। और क्योंकि ये रम इंडियन स्पाइसेस से बनी होती है तो कई अमेरिकन को इसका टेस्ट ज्यादा तीखा लगता है। पर फिर भी इंडियंस की पहली पसंद होने की वजह से ओल्ड मॉन्क नाम की मूवी बनाई गई है। नंबर 8, पक्के दोस्त। सदियों से चलती जंग, लाखों करोड़ों का खर्चा, अभी तक चलती कंपटीशन और अंत का कोई ठिकाना नहीं। नहीं, ये कोई राजा महाराजाओं की नहीं, कोक और पेप्सी की लड़ाई है। इन दोनों ही ब्रांड्स ने जन्म लेते ही एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन जीतने के लिए इनके पास शस्त्र के तौर पर अपने यूनिक आइडियाज थे। जहां कोका कोला ने फ्रांस के अंदर कॉफी वाला फ्लेवर निकाला, वहीं पेप्सी ने भी उसका पीछा किया और कुछ सालों बाद अपनी कॉफी निकाल ली। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कोका कोला वालों ने जब ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी जिब्राल्टर के लिए ऑरेंज फ्लेवर निकाला था, तो वहीं पेप्सी ने जापान के लिए जापान ऑरेंज कोला निकाला। यानी ये साथ ना होगा कम। इनफैक्ट जहां पेप्सी ब्राजील में $1.2 billion का इन्वेस्टमेंट कर रही है, वहीं कोक भी इंडिया में 647 करोड़ का दांव खेलने वाली है। नंबर 9, एक्स कहां का। लड़की चाहिए, एक्स लगाओ। मर्द बनना है, एक्स लगाओ। छोटे बच्चे हो तो भी एक्स लगाओ। ये फैक्ट बाई नहीं, एक्स वालों का मानना है। और इसीलिए इंडिया के अंदर 2012 तक एक्स का सेल 20% शेयर था, मगर जब से यहाँ की गलियों में फॉग आया है, जनाब हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है। पर चाहे अब इंडिया में एक्स चले ना चले, इन देशों में जरूर चलता है, लेकिन लिंक्स के नाम से। इनफैक्ट आपको लिंक्स और एक्स दोनों की पैकेजिंग भी अलग नजर आएगी, पर एक्स को अपना नाम ट्रेडमार्क इशू की वजह से बदलना पड़ा था। इनफैक्ट 2002 तक अफ्रीका में एक्स को EGO बुलाया जाता था। जहां इतना सब काफी नहीं था तो एक्स ड्यूडेंट ने अपने कदम जापान में बढ़ाए और वहां की जनता का दिल लुभाने के लिए उसने एनीम का सहारा लिया। यहां उन्होंने वन पीस की थीम के डियो और साबुन लॉन्च किए, मतलब अब बस गोली की तरह इसका भी कमबैक हो सकता है। तो भाई लोग, ये थी वो चीजें जो हर दूसरे देश में अलग दिखाई देती हैं। और अगर आपको जापान की चिली किटकैट और चाइना की नींबू वाली मैगी खानी है तो कमेंट जरूर करें। मगर जैसे अलग दिखने के बावजूद इन प्रोडक्ट्स ने मुनाफा कमाया, वैसे ही शार्क लेमन चिकन छोड़ो, वो तो मुझे लगा था कुछ भी खा सकते हैं, वो तो झिंगुर पिंगुर सब वो अलग लेवल का देश है भैया। वो मैगी उसमें पता चले नूडल तो चार पांच उसमें केंचुए नहीं होते, वो सब पड़ा है। गजब टोपीबाज कह सकते हैं आप उसको। बाकी अगर मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि काफी प्रोडक्ट्स है जो यहाँ पर किसी नाम से और दूसरे में किसी और नाम से होते हैं। पेप्सी और कोक में आज तक मतलब टेस्ट में फर्क समझ नहीं आया। यहाँ पर कई लोग आ जाएंगे, ओनली लेजेंड्स कैन अंडरस्टैंड द टेस्ट बिटवीन कोका कोला। नहीं, इट्स ओके, मैं वो वाली लेजेंड हुई नहीं फिर। बट थम्स अप का है, थम्स अप अगर देखोगे ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। हाँ, थम्स अप काफी स्ट्रॉन्ग। आपको क्या पसंद है, थम्स अप कोका कोला या पेप्सी, कमेंट करके बताना। बाकी मैं एक और चीज कहूंगा कि भाई वो कौन सी है, वो मिल्की बार खाए बहुत टाइम हो गया, लेकिन एक टाइम पे मिल्की बार चू आती थी एक, वो खाते थे, उसके अंदर ना वो अलग से हनी वाला फ्लेवर भी होता था उसके अंदर। तो मैंने खाली व्हाइट मिल्की बार खाई और उसमें हाँ बीच में कुछ ना कुछ बना आता था उसमें। ओल्ड मॉन्क कितनी बिक्री है भैया, ओल्ड मॉन्क के चर्चे ही चर्चे देश विदेशों में। और वो कुरकुरे का पैस तो मेरे को लगा ये आता है, पता लगा हमारे इलाके में ना आता, फिर मेरे को लगा जैसे बोले ना कोक के पाकिस्तान में कॉफी फ्लेवर ये सब नहीं पता था। लेकिन कोल्ड ड्रिंक कॉफी फ्लेवर में कैसी लगती होगी, आज बनाई देंगे कोल्ड ड्रिंक लाके उसके अंदर उबलती हुई कॉफी डाल देंगे, है ना, बिना दूध की डलेगी ना उबलती हुई, क्यों डलेगी, फिर तो बेकार लगेगी। ब्लैक कॉफी ना पसंद हमें, तो हम तो भैया आधे लीटर दूध के अंदर कॉफी डाल के उबाल के पीते हैं हम तो सीधा ऐसे। या फिर वो वाला मस्त लगती है जो नेस्कैफे की आती हो, हेजलनट फ्लेवर होता है, चॉकलेट होता है, वो वाला भी भाई। लेकिन जाना पड़ेगा, अभी दूसरे देश गए ना
तो सारी चीज ट्राई कर लेंगे, चाइना जो खाता है वो नहीं करेंगे हम। हाँ। वो उनका तो समझ नहीं आता, वो तो ऐसे कहते हैं कि नेक्स्ट लेवल का, वो मैन वर्सेस वाइल्ड में से वाइल्ड ही देखते हैं। हाँ, वो आदमी को हटाते कह रहे भैया हमें बस वाइल्ड ही चीज देखेंगे। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।